ईयर 1994। इस साल दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट और साथ ही साथ एक इन्वेस्टिगेटर जिनका नेम था सर्जे मोनास्ट, जो कि एक कनेडियन सिटीजन थे और ये जाने जाते थे NWO, इल्यूमिनाती और ऐसी ही सीक्रेट संस्थाओं के सीक्रेट फाइल को पब्लिक करने के लिए। और सन 1954 में उन्होंने एक ऐसी फाइल का जिक्र कर दिया जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि नासा और इल्यूमिनाती दोनों मिल करके एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का नेम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। इसका मकसद है पूरी दुनिया में इल्यूमिनाती ऑर्डर को लागू करना, यानी वन लॉ ऑर्डर, जिसका मतलब होता है एक ही रिलीजन और एक ही लीडर को फॉलो करना। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उन्होंने जब इस फाइल को रिलीज किया, उन्हें पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और वो रात भर जेल में गुजारे। और अगले दिन जो हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अगले दिन ही उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। उनकी लाश उनके घर के अंदर पाई गई और कोई नहीं जानता कि उन्हें कौन मारा और कैसे मारा गया। ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब इनकी मौत के बाद लोगों का ध्यान उनकी बातों की तरफ गया, यानी प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तरफ गया। अब ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम है क्या, इसे समझने का टाइम आ गया। अच्छा सोचो, अभी आप घर से बाहर निकलो और आप जब आसमान में देखो तो आपको तारे नहीं बल्कि गॉड, एलियन और कई सारी ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दें जिन्हें देखकर आप डर जाओगे। अब आप बोल सकते हो, अबे ए टू जेड फैक्ट, पागल हो गया है क्या, क्या फैंटेसी मूवी वाली बातें कर रहा है। बट काश ये मूवी वाली बातें ही होती, लेकिन ये 100% रियल बातें हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे एक्सीडेंट के रियल वीडियोस दिखाऊंगा जिसे प्रोजेक्ट ब्लू बीम से जोड़ा जाता है। 9 दिसंबर सन 2009, इस दिन नॉर्वे में मॉर्निंग में लोगों को आसमान में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर वो लोग डर गए थे। उन्हें आसमान में एक जाइंट स्पाइरल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पोर्टल आसमान में खुल रहा हो। और ये एक दो मिनट नहीं बल्कि पूरे 10 मिनट तक उन लोगों को दिखाई दिया। और इसे देखने के बाद बहुत से लोग डर भी गए थे और ये चीज मीडिया का अटेंशन भी काफी जल्दी ग्रैब कर ली थी। Yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. A blue light, small at first, growing into a spiral, and then disappearing into what appeared to be a black hole. और एक दूसरी वीडियो जो कि चाइना से है और इस फिनोमिना को फ्लोटिंग सिटी का नेम दिया गया था। इसमें चाइना का पूरा एक सिटी ही आसमान में बादलों में दिखाई देने लगा और इसे एक दो लोगों ने नहीं बल्कि हजारों लोगों ने देखा था। और जब इसे गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को यह कहकर नकार दिया कि ये एक रिफ्लेक्शन था जो कि पानी बरसने के कारण बादलों में क्रिएट हुआ था। और उन्होंने इसके ऊपर बातचीत करने से भी बैन लगा दिया। और आपको तो पता ही है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी चूं चाह किया जाए तो वहां के लोगों को सीधा उड़ा दिया जाता है। अब ये बात कुछ हजम नहीं होती है, मतलब इसके पीछे कुछ तो राज था। और फिर पूरी दुनिया में ऐसी ही बहुत सी वीडियोस को देखे जाने का दावा किया जाने लगा। ऐसी बहुत सी वीडियोस आने लगी जिसमें एलियंस, जीजस और अजीब गरीब चीजों को देखने का दावा किया जाने लगा। सर्जे मोनास्ट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट पूरे 4 हिस्सों में बटा हुआ था। नंबर 1 पर था अर्थक्वेक और एंशियंट आर्टिफैक्ट्स। कहा जाता था कि होलोग्राम्स की मदद से आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को क्रिएट किया जाएगा जिसमें से कुछ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स निकलेंगे। अब आप सोच सकते हो कि अर्थक्वेक तो एक नेचुरल चीज होती है, उसे ये लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग आर्टिफिशियल रेन के बारे में तो सुने होंगे, जिसमें अगर बारिश नहीं होती है तो लोग एयरप्लेन की मदद से आसमान में कुछ केमिकल को स्प्रे करते हैं जिससे बारिश हो जाती है। तो सिंपली इसी टाइप के किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये बनाया जा सकता है। सन 2012 में पूरी दुनिया में पूरे 14 अर्थक्वेक को क्रिएट किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। नंबर 2 पे है होलोग्राम स्पेस शो। इस स्टेप में आसमान में आपको कई सारे 3D होलोग्राम्स को प्रोजेक्ट करके दिखाया जाएगा जिसमें हर जगह के रिलीजन्स के हिसाब से उनके गॉड को क्रिएट किया जाएगा। जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन वालों को
वो लॉर्ड बुद्धा को दिखाया जाएगा और ऐसे ही अलग अलग जगहों पे उनके गॉड के हिसाब से उन चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाएगा और इसे कई सारे सेटेलाइट्स की मदद से किया जाएगा। इन सेटेलाइटों में बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होंगे और वो प्रोजेक्टर ऐसे 3D होलोग्राम्स को क्रिएट करेंगे। नंबर 3 पे था माइंड कंट्रोल। अभी होलोग्राम प्रोजेक्ट करने के बाद कहा गया कि ये लोग सेटेलाइट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे कई सारे वेव्स निकलेंगे और वो वेव हमें आवाज़ की तरह सुनाई देंगे, जैसे कि टेलीपैथी में होता है। आप लोग टेलीपैथी के बारे में सुने होंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने मन की बात दूसरे को बिना बोले बता सकते हैं, मतलब दिमाग से दिमाग को डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हैं। और सर्जन मोनास्ट की फाइल में नासा के एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र किया गया था जिसमें वे लोग टेलीपैथी का यूज करके एक मंकी के हाथ और पैर और कुछ और भी बॉडी पार्ट्स को मूव करवाए थे और कहा गया कि ऐसे ही साउंड्स वेव को इन होलोग्राम्स के साथ रिलीज किया जाएगा जिससे हमें ये लगे कि वो जो आवाज है वो असली में हमारे गॉड की ही आवाज है जो कि हम सुन रहे हैं। नंबर 4 पे था फेक एलियन अटैक। सर्जे मोनास्ट की फाइल में इसके बारे में भी जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ काम नहीं करेगा तो वो लोग फेक एलियन अटैक करवाएंगे जिससे ये लगेगा कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है और हमें इसे बचाने के लिए एक साथ आना होगा और एक ही लीडर को फॉलो करना होगा। और उनके इस फाइल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं और इस चीज को भी काफी डीपली समझाया गया है। और ये थी सर्जे मोनास्ट की वो फाइल जिसमें प्रोजेक्ट ब्लू बीम का जिक्र किया गया था, एक ऐसी फाइल जो कि उनकी जान ले ली, एक ऐसी मिस्ट्री जिसके बारे में आज तक कोई जानता नहीं था, बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते थे और बहुत से लोग इसे रियल मानते हैं तो वहीं बहुत से लोग इसे फेक भी मानते हैं। सबसे मिस्टीरियस बात मुझे तो ये लगी कि अगर इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती तो उनकी जान क्यों जाती, मतलब उन्हें पब्लिक करने के बाद ही उन्हें कौन मार दिया, ये बात आज भी हजम नहीं होती है। ये एक ऐसी बात है जो सच में इसके ऊपर सोचने पे मजबूर करती है, मतलब उनकी फाइल में कुछ तो ऐसा था जो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा जो लोग उन्हें मार दिए और इसीलिए उनकी जान चली गई इस फाइल के कारण। और शायद उन्होंने हमारे सामने इस दुनिया का एक ऐसा सीक्रेट ला के खड़ा कर दिया जो कि हमें शायद भविष्य में देखने को मिले। और हो सकता है इनकी बातें उस समय के हिसाब से थी तो भविष्य में इसमें बदलाव भी आ सकते हैं। और सर्जे मोनास्ट की मौत इस बात का सबूत बनती है कि इस फाइल में कुछ ऐसा था जो कि सच्चाई को बयां करता था। तो आप इन चीज़ों को बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी ऐसे मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जान सकें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मैं जब भी कोई गजब की इंटरेस्टिंग वीडियोस को डालूं तो आप उसका मजा उठा सको। और नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो और ऊपर आई बटन चेक करो और A to Z फैक्ट की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस का मजा लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।